नमस्कार, रात 8 बजे में मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। सरहदी क्षेत्र जैसलमेर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर से जैसलमेर पहुंची पुलिस की स्पेशल टीम ने 9 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 35 करोड़ रुपये बताई जा रही है। स्पेशल टीम को जैसलमेर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में सफलता मिली। बताया जा रहा है कि तस्कर पाकिस्तान से जैसलमेर मादक पदार्थों को पहुंचाते हैं, उसके बाद पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र में हेरोइन की सप्लाई की जाती है। मादक पदार्थों की तस्करी में ड्रोन के इस्तेमाल को नकारा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान का हाथ, जो नापाक हाथ एक तरह से कह सकते हैं, उस पर भी शक की सुई घूम रही है, लेकिन विभागीय पुष्टि इस मामले में अभी फिलहाल नहीं हुई है। तो किस तरह का पूरा मामला है और कैसे रेत के ढोरों के बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मकान बनाकर वहां पर एक फैक्ट्री लगाई गई, एक स्मॉल स्केल की फैक्ट्री लगाई गई और एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी जो प्रतिबंधित है और जो अवैध है, उसका वहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था और माना जा रहा है कि उसे एक पूरी तरह से सोफिस्टिकेटेड चेन के जरिए पहुंचाया जा रहा था। तो किस तरह से यूनिट लग पाई इतनी बड़ी सीमाई इलाके के बीच में, क्योंकि वहां पर बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। आप देख सकते हैं एकदम खेतों के बीचों बीच ये फैक्ट्री लगाई गई और अरसे से यहाँ पर काम चलते रहा। तो इसको लेकर क्या हमारी प्रशासन की और खासतौर पर इंटेलिजेंस की कोई चूक है? एमडी ड्रग्स की इस फैक्ट्री को जो सीज किया, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ घनश्याम सोनी जॉइंट डायरेक्टर एनसीबी के मौजूद होंगे, अरुण अर्श हमारे सहयोगी जोधपुर से जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे हमारे अन्य साथी भी हमारे साथ लाइनअप हों। अरुण अर्श इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद हैं और एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर घनश्याम सोनी भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले अरुण का रुख कर लेते। अरुण, एक तरह से कहें कि सीमाई इलाका बड़ा सेंसिटिव हो गया है, पाकिस्तान और आईएसआई का जो हाथ है उससे इससे इनकार नहीं किया जाता, हालांकि विभागीय पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले भी जो मामले आए हैं, किस तरह से ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भेजा जा रहा है और एक तरह से कहें कि बिटकॉइन के जरिए ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसको लेकर बड़ी खबरें एनडीटीवी प्रसारित करता रहा है। और अब एक और मामला, इतनी सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री बनाई गई, बीचों बीच खेत में काम चल रहा है, वहां पर ड्रग्स बन रहा है और सप्लाई हो रहा है, किसी का ध्यान नहीं गया। देखिए मनीष, अगर बात की जाए, जिस तरह से पड़ोसी देश है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से जो है इस पूरे ड्रग्स को लेकर और जो भारत के युवा को बर्बाद करने की साजिश चल रही है उसको लेकर एक बड़ी हाई लेवल की पूरे देश भर के अधिकारियों के साथ इसको लेकर मीटिंग की थी। और अगर बात की जाए जिस तरह से ड्रोन के माध्यम से बार बार जो है पाकिस्तान इस तरह से ड्रग्स भेजा जा रहा है, यह अलग बात है कि हमारी जो इधर की एजेंसियां है वो काफी अलर्ट मोड पर रहती है और गांव वालों को साथ लेकर इस तरह के जब भी ड्रोन कोई पैकेट गिरा के जाता है तो उसको रोकने की सूचना जो स्थानीय पुलिस और बीएसएफ को मिल जाती है तो वो ड्रग्स पकड़ में आ जाती है। लेकिन बात करेंगे जिस तरह से फैक्ट्री की, तो हमारे साथ जो ज्वाइंट डायरेक्टर जुड़े हुए घनश्याम सोनी जी, इन्होंने पहला जब ऑपरेशन हुआ था, जब सूरत से और गुजरात से जब टीम आई थी और उसके बाद लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चले थे, करीब 5 से 6 ऑपरेशन हुए, जो सुने जंगल और सुने खेत जो है वहां पर ये फैक्ट्रियां बनाकर जो इस तरह से एमडी ड्रग है वो महाराष्ट्र और गुजरात भेजा जा रहा है। और यही कारण है कि इस तरह की जो चिंता जाहिर की थी एनसीबी ने कि किस तरह से इसको रोकने के लिए पुलिस और अन्य विभागों की मदद लेनी पड़ेगी और ड्रोन उड़ाकर जो सुने इलाके हैं उसका सर्च करना पड़ेगा, जिसके बाद इस तरह की फैक्ट्रियां जो लगा रहे हैं उसको नेटवर्क को तोड़ा जा सकेगा। मनीष, बिल्कुल, उस नेटवर्क को तोड़ने की बात है, अब कवायद शुरू हो गई तो निश्चित रूप से इस नेटवर्क को तोड़ ही दिया जाना चाहिए, जो वाकई एकदम देश विरोधी गतिविधि। घनश्याम जी, आप मानते हैं अब जिस तरह से सीमा के भीतर हमारे इलाके में, सीमा इलाकों में जो बहुत संवेदनशील है, वहां पर एक तरह से कहें कि देश विरोधी काम ही कहा जाएगा इसे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ होने की भी आशंका है, क्योंकि ड्रग्स तो एक तरह से कहें कि सीमा पार से भेजा जाते रहा है और ये तो सप्लाई भी हो रहा था बाकी जगहों पर। पहला सवाल तो सर मेरा यही कि एजेंसीज पर सवाल या निशान है कि क्यों नहीं नज़र पड़ी इस पर, एक आराम से एक फैक्ट्री बनाई गई, सोफिस्टिकेटेड वहां पर उपकरण लगाए गए, बिजली का कनेक्शन वहां है, पानी की व्यवस्था सब कुछ है और ड्रग्स बन रहा है वहां पर, मानते हैं कोई फेलियर नहीं। मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी के आपकी इस मुहिम को बधाई देता हूं और एनडीटीवी के इस इनोवेटिव स्टेप के लिए हमारे अरुण हर्षी हमेशा इस चीज को फॉलो भी करते हैं और समय समय पे अलार्मिंग जो एक पत्रकार की भूमिका होती है उसको निभाते हैं। मेरा निवेदन है कि जब एटीएस
और एनसीबी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन ऑपरेशन प्रयोगशाला किया था जिसके अंदर हमने सिरोही और ओसिया के अंदर भारत का सबसे बड़ा सीजर हमने किया था सिरोही के अंदर, जिसमें 45 करोड़ की एमडी को हमने सीज की थी। और उसके बाद आपकी एनडीटीवी के ही अरुण हर्षी ने जब मेरा इंटरव्यू लिया था दैट टाइम, मैंने ये कहा था उस समय भी कि पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर मारवाड़ का जो ड्रग्स सिनेरियो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई। और मारवाड़, मैं इस चीज को मंच के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी स्वीकार करता हूं कि एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो सिरोही के अंदर हमने लैब पकड़ी थी वो भी एक बीहड़ और खेत के अंदर थी, इंटीरियर जहां जाने के लिए गूगल से हम नहीं जा सकते थे। हमने जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की टीम को बुलाया था तो हमारी टीम पहुंचने के बाद उनको आने में दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे समय के अंदर, उस समय भी हमने आशंका जताई थी कि रेगिस्तान के धोरों के अंदर जो जनशून्य इलाका है जहां पे आबादी का मूवमेंट कम है, वैसे में वहां बेरोजगारी फैली हुई और जो थोड़ा बहुत भी केमिकल का जानकार है उसके लिए एकदम इजी माध्यम है। बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं ना, ये हमारे लिए इसलिए भी चिंता का विषय है कि चूंकि बाड़मेर और ये बॉर्डरिंग इलाका है, और बॉर्डरिंग इलाके के ऊपर अगर ये नशे की बरामदगी और जो खेत, आज की जो ये कार्रवाई कल की जो हुई है इसके रिगार्डिंग एडजॉइनिंग कार्रवाई उन्होंने सांचौर के अंदर भी की थी और यहां पर भी की थी, अब इसमें ये जो एक नया मैन्युफैक्चरिंग, ये हमने सिरोही और ओसिया के अंदर पकड़ी तब भी हमने कहा था कि सारी एजेंसियों को कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर के, और सबसे ज्यादा हमें अवेयर होने की जरूरत है यहाँ के राजस्थान के जनमानस को। ये मैं एनडीटीवी के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा दर्शकों को कि एनसीबी की मानस हेल्पलाइन है, आपको कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध या ऐसी जानकारी जहां पे की पब्लिक का मूवमेंट नहीं होता है और वहां पे अगर अबनॉर्मल मूवमेंट होता है तो हमें सूचित करें। और ये जब तक मैं आपको बताऊं, ये मुहिम तो तभी होगी जब ये भी जो सूचना दी है ये किसी इंफॉर्मर नहीं दी है, और जो बंदा मिला है डीआरआई को जो सूत्र मिले हैं और इसके बाद जो आगे जो कार्रवाई हुई है, तो ऐसी की वैसी कार्रवाई हमने बाद में जो है वो मुंबई बेस अपने यहाँ पे झालामंड के पास में हुई थी, मोगड़ा में हुई थी, ओसिया के अंदर हुई, सिरोही के अंदर हुई। तो ये जो एक नया ऑपरेशन प्रयोगशाला एटीएस और एनसीबी ने चलाया था उस मुहिम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ पब्लिक पार्टनरशिप की जरूरत है। नहीं सर, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा था, बिल्कुल चलाने की जरूरत है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, जॉइंट ऑपरेशन इसमें भी किया गया, जयपुर से टीम गई, जैसलमेर ने सपोर्ट किया, लेकिन अलबत्ता सवाल तो यही है कि इसकी बुनियाद जो है, आप सीमा इलाका क्योंकि सेंसिटिव इस लिहाज से है कि ना सिर्फ टेररिज्म बल्कि अब ड्रग्स पिछले कुछ टाइम से और टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए जो ड्रोन का इस्तेमाल है उसने ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं। अब तो एक तरह से कहेंगे निर्माण ही शुरू कर दिया गया है, पहले तो वहां से आकर के सप्लाई हो रहा था बाहर से अवैध रूप से, नेपाल से, अब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से, अब तो फैक्ट्री लग गई सर। तो अब ये स्थिति तो ज्यादा विकट है कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से नेक्सस है लोगों का, ना सिर्फ उसको डिकोड करना कि कहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से बन रहा है, कौन कौन लोग इसके पीछे, निश्चित रूप से कोई और भी तार जुड़े होंगे, तो इनसे बड़ी जानकारियां मिल सकती हैं, और चूक तो हुई आप ये मानते हैं स्थानीय स्तर पर। मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें स्थानीय स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं लैकुना रहा है। और दूसरी चीज कि जब हमने आपके इससे पहले, मैंने करीब 4 महीने पहले ही बताई थी, 6 महीने पहले चीज बताई थी, जब हमने कन्हैया लाल को सिरोही जेल के अंदर ही है वो, है ना, तो मेरा सिर्फ कहने का माध्यम आपके चैनल के माध्यम से यही है कि एजेंसियां चाहे कोई भी पकड़े, कोई भी, उनके क्लू निकालने के लिए, उनके प्रॉपर रिमांड के लिए और उनके अलग अलग पहलुओं से उसके ऊपर चिंतन और मनन करने के लिए जो एक जॉइंट, जिसको अपन कहते हैं कि जॉइंट मतलब एक जांच और एक उनकी सघन जांच, जिसमें कि आपके केवल बाड़मेर का विषय नहीं है ये, अभी भी मैं कह रहा हूं कि केवल बाड़मेर का नहीं है जी, बाड़मेर के अतिरिक्त बॉर्डर के ऊपर आईजी विकास कुमार सिंह साहब के साथ और मेरी जब वार्तालाप हुई थी तो हम इसके पीछे कम से कम जॉइंट ऑपरेशन के रिगार्डिंग 50 का एक्शन प्लान बना चुके हैं।
लेकिन चूंकि आपको पता है कि एरिया इतना बड़ा है, जनशून्यता का है, और इसमें नो डाउट और ज्यादा अपडेट होने की जरूरत है, और ज्यादा क्लू और ज्यादा लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा हमारे जो भी टेक्निकल टूल मिलते हैं इसमें, तो इसमें नो डाउट सारे जन मिलकर के इसमें प्रयास करेंगे, और क्या हो सकता है राजस्थान के रिगार्डिंग, उसके ऊपर हम अपनी तरफ से बेहतर एफर्ट करेंगे। सर ठीक है, आपने कहा कि लोकल लोकल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है और बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। अरुण, आपके पास मैं लौटना चाहूँगा, क्योंकि जोधपुर का इलाका भी एक तरह से कहीं पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, और पश्चिमी राजस्थान वो एरिया है जहाँ पर ये ड्रग्स का काम अवैध तौर पर अब एक तरह से कहें कि फलता फूलता दिखाई पड़ रहा है। अरुण, आप स्थानीय स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर कवर करते हैं, गवर्नेंस देखते हैं, क्या आप लगता है पुलिस सेंसिटिव है इसको लेकर? क्या कोई एक तरह से कहें कि अलग से कोई यूनिट्स बनाई गई हैं कि वो ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर, सप्लाई को लेकर, खासतौर पर युवाओं में उसकी पकड़ कर सकें, वक्त रहते इंटेलिजेंस उनको मिल सके? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा मनीष, जिस तरह से पिछले दिनों यही जो हमारे साथ एनसीबी के डायरेक्टर है, ये स्टूडेंट बन के जोधपुर से नागौर रोड जाने वाला, जहाँ काफी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ उन्होंने सर्वे किया था, और सर्वे करने के बाद जब उन्हें पता चला करीब 750-800 किलो गांजा बरामद किया था। ये जो युवाओं को नशे की लत डालने वाला गांजा जो है, करीब 800 किलो गांजा बरामद करना बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। लेकिन बात जो चल रही है जिस तरह से ये फैक्ट्रियां लगाने की, जिस तरह से गुजरात से जो केमिकल आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, इनको सस्ते दाम पर जो केमिकल मिलता है, और केमिकल ड्रग्स है ये, ओरिजिनल ड्रग्स नहीं है, जो ये ड्रग्स है वो है, स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। तो जो फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है, अगर उस तक एनसीबी की टीम या पुलिस की टीम पहुंचती जाए, तो भविष्य में जो केमिकल बेचने वाले लोग हैं, फैक्ट्री मालिक है, वो फैक्ट्री मालिक अगर केमिकल नहीं देंगे तो ये एमडी की फैक्ट्रियां नहीं बन पाएगी। 10 लाख रुपए में आपकी फैक्ट्री खड़ी हो जाती है और उसका मुनाफा आपको करोड़ों में मिल जाता है। और यही कारण है कि जिस तरह से जो ग्रामीण इलाकों में, जहां दूर दूर तक कोई नहीं जाता है, सुनसान इलाका होता है, वहां ये लोग आसानी से फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस लगातार कई बार जो है ड्रोन उड़ाकर सर्च भी करती है, जैसे पिछले दिनों बजी खनन को लेकर ड्रोन उड़ाकर सर्च किया, साथ साथ ड्रग्स भी पकड़ी थी। तो ये एक लगातार अभियान चलाने की आवश्यकता है मनीष, किस तरह से ये माल जहाँ से इनको केमिकल मिलता है उन फैक्ट्रियों को भी पाबंद किया जाए, साथ ही साथ ये जो सुनसान इलाके हैं वहां पर जो है पुलिसिंग गश्त बढ़ाने की और अपना नेटवर्क डेवलप करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है मनीष। 800 ग्राम बड़ा क्वांटिटी, 800 किलोग्राम बड़ा ही क्वांटिटी होता है केमिकल को लेकर, जो खासतौर पर आपने बात की है। मैं घनश्याम जी आपसे एक बार जवाब लेना चाहूंगा, ये सिंथेटिक ड्रग्स इसको एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरल ड्राइव नहीं है, जो गांजा और बाकी पदार्थों की बात होती है, ये एक तरह से एमडी ड्रग्स है, केमिकल के जरिए इसको तैयार किया जा रहा है और फिर बाद में इसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता होगा। लेकिन ये जो केमिकल है, हालांकि सप्लाई तो महाराष्ट्र गुजरात में भी हो रहा है, ये तो केमिकल क्या रोक नहीं है इस पर? इसमें मनीष जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी अभी हमने जो भी लैब क्लैंडेस्टाइन जैसे सिरोही और ओसिया वगैरह की, इसके अंदर वापी और भरूच साइड से जो केमिकल आता है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक फर्जी यूनिट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी नंबर के लिए, और उसका ऑफिस भी अंकलेश्वर या भरूच साइड में या कहीं कहीं एक छोटा सा रूम लेकर के उसके ऊपर एड्रेस वेरीफाई करा करके उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करा करू करके अपनी तरफ से एक फर्म रजिस्टर्ड करके अब उस नाम से वो स्टॉक लेते हैं, और उसके बाद में मतलब जो है ये अपना जो डीसा और धानेरा वाला रूट है यहां से ये केमिकल आ जाता है पूरा अंकलेश्वर वगैरह से जी, है ना। और ये केमिकल आने के बाद अभी तक की जो जानकारी मिली है जिसमें हमने 6 लैबे एटीएस और एनसीपी ने मिलकर के 6 लैबे और 6 की 6 एक कन्हैयालाल नाम के केमिस्ट ने मतलब जो है वो सप्लाई की थी और उसने ये लैबे एस्टेब्लिश की थी। हमने उसकी पूरी मोबाइल की सीडीआर वगैरह उस समय निकाली थी कि जहां कहीं पे भी वो बंदा गया है हमने वहां पर अपनी टीम भेज करके सर्वे करवाया था, और जहां पे 6 मिली जो हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस ने ऑपरेशन प्रयोगशाला प्रथम को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सफल किया था मेहनत के साथ जी। तो इस समय भी राजस्थान के अंदर जो हमारी मीटिंग भी हुई थी पुलिस के साथ भी हुई या जो भी अदर एजेंसियों के साथ हुई थी उसमें हमने कहा था कि जैसे एमडी बनाने के लिए जो टॉलिन है और बायोक्रोमोमीन है ये जो इंडस्ट्रियल यूज की चीजें हैं, लेकिन
अब ये क्या है कि इस मात्रा के अंदर एक बहुत ही इंटीरियर और देहात और जनशून्यता के इलाके के अंदर लेके जाते हैं, तो वहां पे उनको पकड़ना थोड़ा सा एक निश्चित रूप से एजेंसियों के लिए चैलेंज और चुनौती होता है। तो क्या क्या ट्रेनिंग का अभाव है सर, या फिर एक तरह से सेंसिटाइज करने की जरूरत है, एक तरह से कहें कि पुलिस को और बाकी एजेंसीज को निचले स्तर पर भी, क्योंकि अब एक तरह का डिफरेंट बॉल गेम है ड्रग्स को लेकर, टेररिज्म को लेकर के, और दूसरे तरह से टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर के, सब तरह से बड़ा डायनेमिक चैलेंज है। हाँ नहीं, ये आपका एकदम कहना सही है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर एमडी कवर भी, जो मोपेड्रॉन, जिस एमडी को हम मोपेड्रॉन बोलते हैं, ये 2015 में कवर हुआ एनडीपीएस एक्ट के अंदर, और वो तब हुआ करके जब एमडी 2008-09 से लेकर के 15 तक उसने भारत के महानगरों के अंदर इतना बड़ा जंजाल फैला दिया था कि 2015 के अंदर भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। दैट टाइम गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने बैठ करके एनडीपीएस एक्ट के तहत इसको एमडी को लेकर आए, और 2015 के अंदर हमने जिस बंदे को, एनानी को पकड़ा था, मनोहर एनानी को, जिसने सबसे बड़ा ये ड्रग का सीजर 300 करोड़ का हुआ 2015-22-23 के अंदर, जब वो वापस रिहा होकर के बाहर आया और उन लोगों ने जेल में ही अपनी कंपनी बना ली, तो इस समय एमडी बनाने के लिए जो केमिकल यूटिलाइज किया जाता है उसके ऊपर कहीं कहीं एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए केमिकल, चाहे टॉलिन हो, चाहे फॉर बायोफ्रोमोमीन हो, लेकिन इस केमिकल की खपत और उसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और मैकेनिज्म की सख्त जरूरत है। बिल्कुल, तो क्या वो सर एनडीपीएस एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में अभी डिस्क्राइब नहीं है, या फिर उसको डिफाइन करने की जरूरत है अब इस दौर के हिसाब से? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी क्योंकि वो एक्चुअली में इंडस्ट्री यूज की जरूरत है, इंडस्ट्री यूज में वो काम आता है, तो उसको एकदम बैन भी नहीं कर सकते हम, और ये एक प्रॉपर टेम्परेचर और उसके प्रॉपर मिश्रण के साथ ये एमडी बनाई जाती है। तो लेकिन जब भी जहां पे भी केमिकल इस टाइप की खपत होती है, तो उसके लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है जो हमें ये जानकारी दे कि इन लोगों को ये लोग यहाँ से ले रहे हैं, चाहे वो फर्जी फर्म हो, चाहे कोई भी हो, जब उसका वेरिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, तो नो डाउट क्यों इसमें केवल एक एजेंसी नहीं, ये प्रॉपर कई डिपार्टमेंटों के तालमेल और समन्वय से, बिल्कुल ये कोऑर्डिनेशन का काम है और उसी से इसे रोका जा सकता है। अरुण, आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जो तमाम बातें घनश्याम सोनी साहब ने की कही है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, आपके निचले वहां पर स्तर पर बात करें, अगर जोधपुर उसके आसपास सदे इलाके सटे इलाकों में फलौदी की बात कर लें, अक्सर खबरें आती हैं कि ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर के ये जो सामने आता है, ये पकड़ा जाता है, ये बहुत कम रेशो एक तरह से कहा जा सकता है, जो सप्लाई हो चुका होता है वो बहुत बड़ा मात्रा में है। तो जिस तरह से गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर एक तरह से कहें कि लिकर को लेकर के चेकिंग होती है, आपको नहीं लगता कि इसको एक इंटेंसिफाई करना चाहिए ड्रग्स की सप्लाई के नेटवर्क को, या फिर ड्रग्स स्थानीय स्तर पर जो सर्कुलेट हो रहा है उसको लेकर? आपके सूत्र क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, अगर मनीष बात की जाए इसी बात को लेकर, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा था कि कैसे पंजाब से ट्रक है जो सिरोही होते हुए गुजरात निकल जाता है, यानी कि पूरे प्रदेश से जिस तरह से गाड़ियां वाहन निकल जाते हैं लीकर लेकर, और इसी तरह से ये ड्रग्स लेकर लोग निकल जाते हैं। हालांकि पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती है, कई मामलों में सफलता मिलती है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस के खुद के पेदी होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते तो ड्रग्स लेकर आने वाले बच्चे निकलते हैं। लेकिन कह सकते हैं इसको पूरे एक नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर युवाओं को वाकई इस ड्रग्स से बचाना है तो कह सकते हैं कि सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो जागरूक नागरिक है वो आगे आकर अगर अपने नाम, चूंकि एजेंसियों के पास अगर कोई सूचना देता तो उनका नाम गुप्त रखा जाता है, बिल्कुल, तो ऐसे में वो लोग आगे आकर बताएं कि बाकी नागरिकों की जिम्मेदारी है, अगर बात कर लीजिए, बिल्कुल नागरिकों की भी जिम्मेदारी भरपूर बनती है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, आपने ग्राउंड लेवल से जानकारियां साझा की। घनश्याम सोनी साहब, बहुत एक बार फिर शुक्रिया, शुक्रिया जिस तरह से आप काम करते हैं उसके बारे में बताया, और कैसे इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है, और कैसे ड्रग्स खासतौर पर जो एक जहर है समाज के लिए, देश के लिए, उसको खत्म किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।